देखिए, मुंह में मिट्ठू बनना एक अलग बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में हम यही देखते हैं कि चाहे पटना का मामला हो, बेंगलुरु का मामला हो, मुंबई का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने की जो बात है उसमें खाली हाथ लौटे हैं। अब हम चाहें कुछ तो हमारे चाहने से नहीं होगा। वो जो गठबंधन है जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन में बहुत तरह के लोग आते हैं। ममता जी कुछ कह रही हैं, केजरीवाल कुछ कहते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ कहते हैं, तो जहाँ 10 प्रकार की बात हो, मतांतर हो, तो उनकी बराती बिना गुंडे के होने वाली है। तो बिना गुंडे की बराती का क्या महत्व होता है वो समझा जा सकता है। और यही मैं समझता हूँ कि 2024 के चुनाव में इधर बिना दूल्हा है और उधर नरेंद्र मोदी ऐसा सशक्त दूल्हा है जो देश नहीं विदेश में भी, आर्थिक जगत में ही नहीं, विज्ञान के जगत में भी अपना झंडा गाड़ा है। आज चंद्रमा पर हम रोडर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आज 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूरज को परखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमारा अर्थव्यवस्था 12-13 पर था, आज हम 3rd-4th में जा रहे हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष आज हमारा है उसको दूसरा राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम किया है। हम 44 वर्ष के राजनीति में ऐसा नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, हर दृष्टिकोण से जो नेता हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसके सामने तो मैं समझता हूँ कि 2024 में तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो फिर कोई नू मियां मिट्ठू बन करके कुछ बना ले कर ले वो अलग।